अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक नई रेसिपी, मिनी चिकन स्टिक। ये बहुत ही टेस्टी वाला जवाब बनता है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। हम यहाँ पर देख लेंगे इंग्रेडिएंट्स। इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखें। हमने यहाँ पर 250 से 300 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है। इसे अच्छे से धुलकर हमने साफ़ कर लिया था और हमने इसके छोटे छोटे पीसेस किए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं। हम मिनी चिकन स्टिक बना रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं चिकन के। आधा छोटा चम्मच हमें ले लेना है गरम मसाला, एक छोटा चम्मच ले लेना है हमें चिकन तंदूरी मसाला, अगर आपके पास ना हो तो एक छोटा चम्मच गरम मसाला डाल लें, एक चौथाई चम्मच चाट मसाला और एक चौथाई चम्मच डाल लेना है हमें काली मिर्चों का पाउडर, एक छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे एक छोटा चम्मच सिरका, सिरका ना हो तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, एक छोटा चम्मच सोया सॉस, एक छोटा चम्मच ग्रीन चिली सॉस, एक छोटा चम्मच ले लिया हमने हरी मिर्च का पेस्ट, एक छोटा चम्मच हमने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और एक छोटा चम्मच हम ले लेंगे रेड चिली सॉस और यहाँ पर हम ले लेंगे एक चौथाई चम्मच रेड फूड कलर। इससे हमारे चिकन स्टिक में अच्छा कलर आएगा, आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने शिमला मिर्च को क्यूब में काट लिया है। एक बड़ी शिमला मिर्च लेकर हमने इसको क्यूब में, छोटे छोटे क्यूब में काट लिया था। दो बड़े टमाटर लेकर इसकी बीज निकाल कर इसे भी हमने क्यूब में कट कर लिया था। देखिए हमने छोटे छोटे क्यूब में कट करना है क्योंकि हम मिनी बना रहे हैं तो इसीलिए हम छोटे छोटे में। हमने बीज वाला हिस्सा निकाल दिया है, हमने बीज नहीं लिया है। यहाँ पर एक बड़ी प्याज लेंगे, उसे भी हम छोटे छोटे क्यूब में कट कर लेंगे। हमने तीनों को छोटे छोटे क्यूब में कट किया है, ज़्यादा बड़ा नहीं कट करना है। यहाँ पर हम ले लेंगे टूथपिक, हमने यहाँ पर टूथपिक ली है। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप बड़ी वाली स्टिक भी ले सकते हैं, हम मिनी बना रहे हैं इसलिए हमने टूथपिक ली है। यहाँ पर अब हम ले लेंगे चिकन, चिकन में हम डाल देंगे सिरका, अगर आपके पास सिरका अवेलेबल ना हो तो आप नींबू का रस डाल सकते हैं, एक नींबू का रस। हमने सिरका डाल दिया, इसके बाद हम डाल देंगे इसमें सोया सॉस, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च का पेस्ट, आप अपने टेस्ट के हिसाब से तीखा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके बाद में हमें डाल देना है ग्रीन चिली सॉस, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे रेड चिली सॉस, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमने जो रेड फूड कलर लिया था, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है, आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब बाकी के मसाले हम इसमें मिक्स कर लेंगे, हमने जो तंदूरी मसाला, गरम मसाला, चाट मसाला वगैरह लिया था अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच या हाथों की मदद से, आप जिसे भी चाहें मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अच्छे से चिकन में मसालों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे हमने जो शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज काट कर रखी थी क्यूब में, डाल लेना है और इन्हें भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। हम यहाँ पर चम्मच की ही मदद से मिक्स करेंगे, आप चाहें तो हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इन्हें रख देंगे एक घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। एक घंटे बाद हम इसे निकालेंगे। देखिए एक घंटा हो चुका है, हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर लेंगे टूथपिक, हमने जो लिया था स्टिक में, हम पहले प्याज लगा लेंगे, इसके बाद हम इसमें लगा लेंगे टमाटर और शिमला मिर्च, एक एक करके हम लगा लेंगे। इसके बाद हम इसमें लगाएंगे चिकन, आप चिकन चाहें तो डबल डबल भी लगा सकते हैं, हमने यहाँ पर सिंगल ही लगाया है। इसमें हम वापस से एक क्यूब प्याज के बाद हमें टमाटर और शिमला मिर्च लगा लेना है। ये देखिए आप देख सकते हैं तैयार है हमारा मिनी चिकन स्टिक। इसे हम रख देंगे एक बर्तन में, ऐसे ही करके दूसरा भी हम चिकन स्टिक तैयार कर लेंगे। पहले हम प्याज लगा लेंगे, इसके बाद टमाटर लगा लेना है और फिर शिमला मिर्च और फिर चिकन लगा लेना है। आप चाहें तो दो दो पीसेस भी चिकन लगा सकते हैं, हमने यहाँ पर सिंगल ही रखा है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें नई नई रेसिपी के लिए। देखिए दूसरा भी हमारा चिकन स्टिक तैयार है। अब यहाँ पर हम बच्चों के लिए चिकन स्टिक तैयार कर लेंगे। बच्चे शिमला मिर्च प्याज वगैरह नहीं खाते,
तो हम उन्हें सिर्फ चिकन ही लगा लगा कर स्टिक में देंगे। इसमें हम शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर वगैरह नहीं लगाएंगे। ये देखिए हमने इसमें सिर्फ चिकन ही लगाया है। हमने यहाँ पर अच्छे से सारे चिकन स्टिक लगा लिए हैं और इसे हमने एक बर्तन में रख लिया है। अब यहाँ पर हम इसे फ्राई कर लेंगे। हमने एक बर्तन में पहले से ही तेल गरम होने के लिए रख दिया था। हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तेल गरम होने के बाद हम इन्हें यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने अपने मिनी चिकन स्टिक को फ्राई होने के लिए रख दिया था। हम इसे स्लो आंच पर 10 मिनट तक आप फ्राई करेंगे और थोड़े थोड़े टाइम में हमें साइड चेंज करते जानी है। देखिए आप देख सकते हैं हमारी एक साइड जो है अच्छे से पक चुकी है। चिकन बोनलेस जल्दी पक जाता है, इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वैसे भी चिकन भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता है पकने में, जल्दी से पक जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सारे चिकन स्टिक की साइड चेंज कर ली है। अब हम इन्हें स्लो आंच पर पूरा 10 मिनट पकाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे जो चिकन स्टिक है हमने साइड चेंज कर करके अच्छे से पका लिए थे, इसमें अच्छा सा कलर भी आ चुका है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक बर्तन में। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सा बनता है, इसे बच्चे बड़े सब बहुत ही पसंद करते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। हमने यहाँ पर बर्तन में निकाल लिया है चिकन स्टिक को और दूसरा बैच जो है हमने उसे भी फ्राई होने के लिए रख दिया था। और जैसे हमने पहले फ्राई किया था वैसे हमने सेकेंड बैच को भी फ्राई कर लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा चिकन स्टिक अच्छे से तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कलर भी अच्छे से आ चुका है। मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर चिकन भी हमारे अच्छे से पक गए हैं। बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी बनता है, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें एक बार। बहुत ही सिंपल तरीके से आपका स्टार्टर बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए कितना अच्छा हमारा चिकन पक चुका है, आप देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सा हमारा मिनी चिकन स्टिक तैयार है। इसे हम सॉस के साथ, चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। कम मेहनत में आपका मिनी चिकन स्टिक तैयार हो जाता है। इसे स्टार्टर को आप ज़रूर ट्राई करें घर पर और कमेंट करके बताएं।